नमस्कार, मैं आनंद शेखर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार में दो जनसभाओं को संबोधित किया। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने अररिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों के को गिनाया। इसके बाद नरेंद्र मोदी मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लालू परिवार और कांग्रेस पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लालटेन की वजह से मुंगेर अंधेरे में था। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नजर अब लोगों की संपत्ति पर है। कांग्रेस लोगों का जमीन का सर्वेक्षण कराकर उन पर विरासत टैक्स लगाना चाहती है। इसके अलावा भी पीएम ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। हर परिवार की उसकी कमाई का, उसकी मिलकत का, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी। मुंगेर से पहले अररिया में पीएम मोदी ने बिहार के लोगों के जज्बे की तारीफ की और कहा कि हम दिल्ली में और यहाँ नीतीश जी मिलकर पूरी ताकत से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को तो ना संविधान की परवाह है न लोकतंत्र की। ये लोग वही हैं जो दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का हक छीना, पोलिंग बूथ और बैलेट पेपर ये लूट लेते थे। चुनावों में बैलेट पेपर इनकी सरकार में यहाँ लूटे जाते थे। गरीबों को वोट डालने के लिए बिहार से बाहर नहीं निकलने देते थे। दलित पिछड़ों को डंडे के जोर पर घर से निकलने पर रोका जाता था। लेकिन अब जब ईवीएम की ताकत देश को मिली है तो चुनाव के दिन वोट हड़पने का जो ये खेल खेलते थे उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सभी परेशान हैं। कैसे भी ईवीएम बंद होना चाहिए, इनका यही खेल चल रहा है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन बाबा साहेब के संविधान की ताकत देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गहरा झटका दिया है और इनके सारे सपने चूर चूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर का पुराना दौर वापस लौट कर नहीं आएगा। ये लोग अपने स्वार्थ और गलत नीयत से ईवीएम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि मुंह ऊंची करके देख तक नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे भी लगवाए, बाबा साहेब अम्बेडकर रहे के भी नारे लगवाए। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।